भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभादीश की जय। आज आश्विन अधिक कृष्ण एकादशी मंगलवार 13 अक्टूबर 2020 है। आइए सर्वप्रथम हम नाथद्वारा के लाडले लाल श्री नवनीत प्रिया जी में हुए कल के मनोरथ के दर्शन करते हैं, जिसके अंतर्गत प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी फल फूल की मंडली में विराजमान होकर दर्शन सुख दिए था। इसके अलावा संध्या को उष्णकालीन मनोरथ हुआ, जिसका शीर्षक छूटत फुहारे आगे का शीर्षक था, और इसमें उष्णकालीन साज सज्जा के मध्य जल की फुहारों के बीच प्रभु विराजित हुए थे और दर्शन प्रदान किए थे। श्रीनाथ जी में आज राजभोग में गुलाबी घटा का मनोरथ है। साज सज्जा, समस्त साज सज्जा गुलाबी घटावत रहेगी। इसके साथ साथ गुलाबी मखमल का बंगला भी आएगा। शाम को गुलाबी गणगौर का मनोरथ किया जाएगा। कि जो घटाएं होती है, वो घटाएं शीतकाल में विविध रंगों की घटाओं के दर्शन होते हैं। घटा के दिन सर्व वस्त्र और साज एक ही रंग के होते हैं। आकाश में वर्षा ऋतु में विविध रंगों के बादलों के गहरा जाने से जिस प्रकार की घटा बनती है, उसी भाव से श्रीनाथ जी में मार्ग शीर्ष एवं पौष मास में विविध रंगों की द्वादश घटाएं द्वादश कुंजों के भाव से होती है। कई वर्षों पहले चारों युथाधिपतियों के भाव से चार घटाएं होती थी, परंतु गोस्वामी वंश की परंपरा के सभी तिलकायतों ने अपने अपने समय में प्रभु के सुख एवं वैभव में वृद्धि हेतु विभिन्न मनोरथ किए। इसी परंपरा को कायम रखते हुए नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज ने निकुंज नायक प्रभु के सुख और आनंद हेतु सभी द्वादश कुंजों के भाव से 8 घटाएँ बढ़ा दी और कुल इस प्रकार 12 या द्वादश घटाएँ, जिसमें से दूज का चंदा का श्रृंगार के सहित कर दी है, जो कि आज भी चल रही है। इनमें से कुछ घटाएँ जैसे हरी, श्याम, लाल, अमरसी, रुपहली व बैंगनी नियत दिनों पर होती है, एवं अन्य कुछ जैसे गुलाबी, पतंगी, फिरोजी, पीली और सुनहरी घटा ऐच्छिक होती है, जो बसंत पंचमी से पूर्व खाली दिनों में धराई जाती है। जो घटाओं के दर्शन होते हैं वो द्वादश कुंजों के भाव से होते हैं। जिस रंग की घटा होती है उसी रंग के कुंज की भावना होती है। फूल गुलाबी साज अति शोभित तापर राजत बालकृष्ण बिहारी, फेंटा गुलाबी पिछोरा रहो खबी, फूल गुलाबी रंग अति भारी, वाम भाग वृषभान नंदिनी, पहरे गुलाबी कंचु की सारी, फूल गुलाबी हस्त कमल में छवि पर कुंभन दास बलिहारी। श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज गुलाबी मलमल की पिछवाई धराई जाती है। खंड पाठ, गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर गुलाबी बिछावट की जाती है। आज चरण चौकी, पड़गा जी, बंटा जी, जारी जी आदि सभी साज स्वर्ण के रत्न जड़ित आते हैं। प्रभु के स्वरूप के सन्मुख चांदी के त्रष्टि जी धरे जाते हैं। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को आज गुलाबी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र गुलाबी रंग के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में श्रीनाथ जी प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण गुलाबी मीना के सुशोभित किए जाते हैं। आज मीना की हमेल भी धराई जाती है। श्री मस्तक पर गुलाबी रंग की गोल पाग के ऊपर सिरपेंच, लूम तथा गुलाबी दोहरा कतरा आता है, एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री ठाकुर जी के श्रीकर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के श्रीकंठ में एक हार एवं एक पचलड़ा अर्थात 5 लड़का हार धराया जाता है।
प्रभु के श्रीकंठ में गुलाब के पुष्पों की दो सुंदर माला जी धराई जाती है। श्री हस्त में पुष्प छड़ी गुलाबी मीना के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट गुलाबी और गोटी चांदी की आती है। श्रीनाथ जी की सेवा के अन्य सभी क्रम नित्य की भांति संपादित होते हैं। आज की राग सेवा, आज की कीर्तनों में, आज की गुलाबी घटा से संबंधित और गणगौर से संबंधित कीर्तनों का गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ।